शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इन बीसीएन के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। कोरोना की पार्श्वभूमि पर दिन ब दिन आंकड़े डराते जा रहे हैं। सिर्फ नागरिकों को नहीं तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी आंकड़े डरा रहे हैं। किस तरह, इस पर भी हम बात करेंगे। नागपुर में आज क्या हुआ, हम इस पर भी बात करेंगे। क्या दिन भर घटा है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक चर्चा का विषय लेकर हम आपके सामने हैं। मैं हूं रत्नाकर, आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में है इन बीसीएन के चीफ संपादक इमरान जी। इमरान, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। चलो हम सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। नागपुर में आज जहां आंकड़े बढ़े हैं, वहां पर चिंताजनक बात यह भी है कि नागपुर में कोरोना के 3 मरीज जो है मृत्युमुखी हो गए हैं। 3 मौतें आज कोरोना के माध्यम से हुई हैं। अब तक जो 16 आज पॉजिटिव निकले हैं, हम दर्शकों को बता दें। इससे पहले कि मैं इमरान से बात करूं, मैं समझता हूं कि दर्शकों को यह आंकड़े जरूर बता देने चाहिए कि कौन से एरिया से आज मरीज पाए गए हैं। आज जो है 2 पेशेंट जो है हंसापुरी से पाए गए हैं, 1 मिनी मातानगर से, सोमारी पेट में। आपको बता दो इमरान की यह पहला इलाका है जो अब तक कोरोना से ग्रसित नहीं था, लेकिन आज पहला पेशेंट जो है सोमारीपेट से पाया गया है। इसी के साथ में 2 जूनी मंगलवारे से, 1 दत्तवाड़े से, आंबेडकर चौक से 1, वड़धामला से 1, बेलदार नगर से 1, क्वेटा कॉलोनी से 1, खामला से 2 पेशेंट, और साथ ही 1 कोंढाली का है, पुलिस लाइन टाकली से 1, और कुल पॉजिटिव पेशेंट जो है 1881 हो गए हैं। 16 पेशेंट जो है नागपुर में आज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। इमरान, क्या स्थिति बन रही है? ये तो आंकड़े जो है, आंकड़े बढ़ते के साथ में मौत, 3 मौतें 24 घंटे में, चिंता का विषय। जी हाँ, बिल्कुल चिंता का विषय जताया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन जब था तब कोरोना के आंकड़े बहुत कम स्थिति थे। अनलॉक की ओर हम जब से बढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू जो है आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को आपने देखा 72, कभी एकदम से कोरोना ब्लास्ट हो जाता है, कभी 60 होते, कभी 40 होते, और 2000 के करीब हम पहुंच गए हैं। 1881 अब तक है, और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से आंकड़े बढ़ते गए तो हम जो है जल्द ही 2000 तक पहुंच जाएंगे, और ये इसमें कितना समय लगेगा अब इसका कोई प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमको 2000 पहुंचने में। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में 2000 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे कोरोना की वजह से। और आपको एक दूसरी बात बता दूं कि मरने वाले की संख्या रिकवरी रेट नागपुर का बहुत अच्छा बताया जा रहा था, और डेथ रेशियो कहीं ना कहीं नागपुर की बाकी पूरे भारत देश की बात करें तो नागपुर का डेथ रेशियो जो था बहुत ही कम था। मगर पिछले कुछ दिनों से जो मौतें होते नजर आ रही है तो उससे थोड़ा एक जो स्थिति है थोड़ी सी असमस्या लग रही है कहीं ना कहीं। जो हाँ, आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, मौत के जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ रहा है, तो ये बहुत प्रशासन के लिए भी और नागरिकों के दृष्टिकोण से भी ये बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। उसी तरह अगर अपन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दिन ब दिन अगर पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 6603 कोरोना पॉजिटिव पड़े हैं, और सबसे आज 198 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा कहीं ना कहीं डेंजर बताया जा रहा है। जी बराबर है। देखिए, पिछले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में ही, इमरान मैं आपको बता दूं कि 6603 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो इस तादाद में पेशेंट्स का बढ़ना महाराष्ट्र की स्थिति को भी कहीं ना कहीं जो है परेशान कर रहा है। और स्वस्थ भी हुए नहीं, एक राहत की बात यह भी है कि आज स्वस्थ होकर जो महाराष्ट्र की संख्या है वो 4634 पेशेंट जो है अपने घर वापस जा चुके हैं, जिन्हें स्वस्थ करार घोषित कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में अब तक कुल स्वस्थ जो मरीज है उसमें 123192 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। लेकिन इसमें मुद्दा इमरान एक ये भी है कि स्वस्थ होकर घर जाना जी, या उन्हें बगैर टेस्ट के घर भेजना, ये एक अलग चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि INCR की पिछले एक महीना पहले गाइडलाइन आई थी, ICMR की जो गाइडलाइन है, जी ICMR की जो गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि असिम्प्टोमैटिक पेशेंट को 10 दिन के भीतर ही घर में आइसोलेट किया जा सकता है, ताकि जो आने वाले जो सिचुएशन, जिस तरह से भारत में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, जैसे कि आपने देखा कि रोज का जो डेली का जो रेशियो है अभी 22,000 से 23,000 तक पहुंच चुका है। अपन विश्व में 3रे नंबर में भारत का रेशियो आ रहा है। आने वाले दिनों में ये पेशेंट बढ़ेंगे। शायद इसी डर के मद्देनजर INCR ने एक नया रूल निकाला था
जिसमें 10 दिन के भीतर ही विदाउट सिम्प्टोमैटिक पेशेंट को बिना टेस्ट किए घर भेजा जाएगा जी। इसी की बदौलत जो आज इंडिया का रिकवरी रेट जो दिख रहा है वो 50% के ऊपर माना जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी संभावना तो बनी रहती है कि इस पर एक्सपर्ट से भी हमें बात करना पड़ेगा कि ये जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जो बगैर टेस्ट के अपने घर चले गए हैं जिन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया गया है, क्या इनसे भी कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ने की संभावना को हम नकार सकते हैं? ये एक अलग ये भी एक जी इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोकल महानगर पालिका रहती है, प्रशासन नगर पालिका रहती है, ग्राम पंचायत रहती है, उन्होंने एक सर्वे करना चाहिए। अपने काफी जो विशेषज्ञ से जब बात की थी उन्होंने बताया था कि 10 दिन के बाद जब पेशेंट वापस अपने घर जाता है और खुद को आइसोलेट करता है तो ये बिल्कुल जरूर ध्यान देने वाली बात रहेगी कि उसके घर में अकेले रहने लायक जगह है क्या, है ना, स्थान है क्या। कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ पेशेंट, जैसे पिछली बार हमने एक आर्टिकल भी छापा था हमारे नागपुर मेट्रो समाचार में जिसमें हमने बताया था कि मोमिनपुरा जैसे सतरंजीपुरा एरिया में एक घर में दो रूम के घर में 7 लोग रहते और वहां कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और 10 दिन बाद बिना टेस्ट किए उसे घर वापस भेजा जाता है। फिर उसके बाद वो अकेला कैसे रह पाएगा, 2 कमरे के रूम में 7 लोग कैसे रह पाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय है कई लोगों के लिए। हाँ, इससे और फिर परिवार के लिए खतरा बना हुआ रहेगा। तो कई केसेस में तो पेशेंट ने खुद डिनाई किया है कि नहीं मुझे आप घर मत भेजिए, या घर वालों ने ही पेशेंट को प्रशासन से गुहार लगाई थी कि अभी हमारे पेशेंट को और रहने दीजिए, उसके पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही उसको घर भेजा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह से WHO की गाइडलाइन आ रही है, फिर INCR इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो गाइडलाइन आ रही है, इसमें काफी थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। अभी हाल ही में एक सर्वे कई वैज्ञानिकों ने किया था, 60 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक सर्वे करके बताया कि कोरोना हवा में भी फैलता है। जी हाँ हाँ, और इन्होंने सब ने मिलकर WHO को एक लेटर दिया है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि WHO ने अपने नियमों को इसके इस तर्ज पर अब चेंज कर लेना चाहिए। और WHO ने बार बार ऐसे कुछ देशों को जिसमें भारत का भी नाम है उनको वार्निंग दी, जिस तरह से लॉकडाउन को में ढिलाई बरतती जा रही है उसी तरह से कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लोगों को भी समझना चाहिए कि बाहर ना निकले, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हम नागपुर की बात करें या विदर्भ के अनेक जिलों की बात करें जहाँ वक्त शॉप के समय दिए जाते हैं 5 बजे तक, उसके बावजूद 10-10, 11-11 बजे तक शॉप चालू रहती है। जनता कर्फ्यू का समय 9 बजे का आपने डिसाइड किया है, 9 के बाद भी अगर आप रास्तों में देखेंगे तो भीड़ नजर आएगी, कहीं ना कहीं जनता भी एक इसका उल्लंघन करती नजर आ रही। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो कब तक इनका कंट्रोल करेंगी, है ना। अगर आपने आपने इमरान पुलिस प्रशासन की बात की, हम बता दें दर्शकों को कि पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी मेहनत की है। कोविड योद्धा के रूप में पुलिस प्रशासन ने जी जान लगाकर लोगों से अनुरोध किया, हर जगह जाके उन्होंने कोशिश की कि लोगों में जन जागृति रहे, जहां जहां जरूरत पड़ी सख्ती भी बरती गई। लेकिन आज पुलिस प्रशासन भी सख्ती में है, क्योंकि मैं अगर पुलिस प्रशासन के आंकड़ों की बात करूं तो महाराष्ट्र में पूरे पिछले 48 घंटों में 238 पुलिस कर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह अपने आप में पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ा धक्का साबित हो सकता है इमरान, और इसमें 71 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में जो है 71 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है, और अब तक पूरे महाराष्ट्र में 5,713 पुलिस कर्मी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी तादाद में पुलिस कर्मियों का पाया जाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक और एक ऐसे स्थिति में लाके खड़ा हो सकता कर सकता है कि जहां पर उनको एक मैन फोर्स की जरूरत है, जहां उनको ज्यादा से ज्यादा जवानों की जरूरत है, अपने कर्मचारियों की जरूरत, वहां पर 5,700 के ऊपर के आंकड़े कहीं ना कहीं उनके कार्य प्रणाली पर डायरेक्ट असर जरूर पड़ सकते हैं, मैन पावर की परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरफ से मैन पावर की अगर बात करें तो 5,000 पुलिस कर्मी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो उसके वजह से और आप पकड़ लीजिए अगर एक एक के संपर्क में 5 लोग भी आते हैं तो 15,000 पुलिस कर्मी क्वारंटाइन हो चुके हैं जी। तो ये महाराष्ट्र पुलिस में भी इसकी दहशत नजर आ रही है। इसीलिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने मांग की थी केंद्र से
कि हमें सेंटर की फोर्स दी जाए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बार बार कही थी और केंद्र ने दिया भी जी। और उसी तरह से अब दूसरे लिहाज से आप देखिए कि नागपुर के सेंट्रल जेल में जिस तरह से कोरोना का आतंक मचा है, 126 पॉजिटिव अभी तक पाए गए, पूरे जेल को आइसोलेशन के रूप में तैयार किया गया है। तैयार किया गया जी बिल्कुल। तो इतने पेशेंट इस तरह से पड़ रहे हैं, जब डिपार्टमेंट पर आती है, पुलिस पर आती है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक हिचक बिल्कुल नजर आती है सर। इमरान, जहां हम पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके जो कर्मचारी उनके ऊपर में जो कोरोना का कहर है उसकी भी हम बात करें, तो लेकिन वहां कहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी है कि जो एक प्रशासन के ऊपर में प्रश्न चिन्ह भी लगा देती हैं। हम बात कर रहे हैं आज आज नागपुर में एक ऐसी घटना घटी है, अजनी पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर एक जो उपनिरीक्षक है, पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह ठाकुर, इन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। क्या कहेंगे ऐसी परिस्थिति पर? बिल्कुल हाँ, एक परिस्थिति पर, इस परिस्थिति पर कहना वाली बात ये होंगी, जहाँ एक तरफ पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है और उसी पर कुछ अपवाद ऐसे रहते हैं कि जो क्राइम क्राइम खुद ही करते हैं पुलिस, है ना जी। जिस तरह से अजनी PSI अजनी के पुलिस के PSI ठाकुर, इन्होंने 1 लाख के एक कपड़े को रिश्वत मांगी थी 3 लाख की, और 1 लाख देते हुए ACP ने पकड़ा है। बहुत ही एक निंदनीय घटना यहाँ पे नागपुर में घटी है जी। अब पुलिस प्रशासन के साथ में जो जहाँ पे हम बात करें, पिछले कुछ दिनों में महानगर पालिका में काफी हंगामा हुआ था, खास करके तब जब महानगर पालिका की आम सभा हुई थी, वहां पर सारा विषय केंद्रित था तुकाराम मुंडे के ऊपर में, जो महानगर पालिका के आयुक्त है उनके ऊपर में, उनके ऊपर में जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे कि वो जो भी है उसमें और बढ़ोतरी हो रही है, उन्हीं के एक स्टाफ ने, एक महिला स्टाफ ने उनके ऊपर में आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उसी के साथ में आज एक और जो है उनके ऊपर में आरोप लगाया है, और वो आरोप लगाया है धर्मपाल मेश्राम, इन्होंने, उनका कहना है कि धर्मपाल मेश्राम जी का कहना है कि मुंडे जी ने नागपुर महानगर पालिका के जो कामकाज हो या स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हो, वहां पर कार्यरत कंपनियों के ऊपर में दबाव डालकर उन्हें अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है कि उन्हीं के लोगों को काम पर रखा जाए। एक और आरोप मुंडे जी के ऊपर में लगा हुआ है जो कि महानगर पालिका आयुक्त है। जी हाँ, मुंडे जी के ऊपर पिछले कई दिन से, जिस जब से वो नागपुर आए हैं, कई पहले तो तारीफ हो रही थी, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सामने आए, मुंडे जी के विरोध में आए, फिर उसके बाद जब सभा हुई, सभा के लिए भी काफी विवाद हुए, उसके बाद जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर बिल्कुल चलाता रहा, और मुंडे जी के ऊपर आरोप दिन ब दिन होते आ रहे हैं, यहाँ तक कि आरोप करने पे नितिन गडकरी जी भी पीछे नहीं छूटे, वो भी आ गया है। जिस तरह से आज धर्मपाल मेश्राम ने एक पत्र प्रसिद्ध लेके ये कहा कि जब से तुकाराम मुंडे जी आए, उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ा के उनकी पोस्टिंग अपने पद का दुरुपयोग करके किया है। ये भी कई कई आरोप लगते हैं हमेशा। मुंडे जी की अगर बात कहे तो पूरे महाराष्ट्र में जहां भी उनकी पोस्टिंग हुई है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर उनको हमेशा एकजुट होकर उनके ऊपर में आरोपों की झड़ियां बोली है या उनको यथासंभव हटाने के प्रयास जरूर किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। हम दर्शकों को बता दें कि 10 तारीख को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी सभा घोषित की गई है, जिसमें ये सारे जो प्रकरण है इसके ऊपर में भी चर्चा जरूर की जाएगी। और एक चीज के ऊपर में और हम ध्यान रखें, जो कि आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, आज एक आंदोलन किया गया, मोर्चा निकाला गया, जो कि सीधा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर जा पहुंचा। क्या बताएंगे इमरान इस बारे में? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस, युवा कांग्रेस के तरफ से आज एक भव्य मोर्चा निकाला गया था रेडिसन ब्लू होटल के पीछे, जो जी वहाँ पे युवा कांग्रेस के लोगों ने, युवा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ मोर्चा निकाला भारी पेट्रोल डीजल के जो रेट्स बढ़ रहे उसके ऊपर। उसके उस मोर्चे में खास तौर पे अब नागपुर के पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, इनके पुत्र युवा कांग्रेस के कुणाल राउत भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं वो एक कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में कहीं पीछे नहीं छोड़ते नजर आ रही है नागपुर में।
जिस तरह से बिजली बिल के लिए नितिन राउत इनके घर के सामने मोर्चे बीजेपी ने किए थे, अब गडकरी जी को घेरने की कोशिश हो रही है नितिन राउत की जी की ओर से। क्या कहोगे कि सर क्या कहोगे आप, एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव है और दूसरी ओर बिजली बिल, दोनों भी लोगों से रिगड़ित है और दोनों भी कम नहीं हो रहे, दोनों भी बढ़ रहे हैं। इमरान ये जो है ना, देखिए ये आज की जो परिस्थिति है, अगर हम इसका एक नागरिक के दृष्टिकोण से अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो ये स्थिति बड़ी असमंजस में हो गई है। राजनीति की अगर हम बात करें तो हाँ, ये तो राजनीति है कि कांग्रेस पक्ष जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए केंद्रीय मंत्री के घर के सामने निदर्शन करते हैं, वहीं भारतीय जनता पक्ष जो है राज्य सरकार के जो मंत्री है इलेक्ट्रिक बिल के लिए उनके घर के सामने जो है आंदोलन करती है। इन सब आंदोलन के दौरान, इन सब चीजों की, इन सब एक्टिविटी के दौरान आम आदमी को क्या मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आज असमंजस की स्थिति में हर एक नागरिक है कि क्या उसको इलेक्ट्रिक का बिल, बिजली का बिल भरना है या नहीं है। आज आपको और हमको घर से बाहर निकलना है तो हमारी मजबूरी कि हमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीमतें दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। आंदोलन करने के बावजूद भी क्या ये कीमतों के ऊपर में कुछ असर पड़ रहा है, क्या आम जनता की कुछ सुनवाई हो रही है? हम यहाँ से भी थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए इमरान, तो एक मुद्दा ये भी है कि क्या हम लॉकडाउन की स्थिति में है, क्या हम अनलॉक है, क्या स्थिति है, क्या हमें करना है, कि किस तरह से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई लोगों के सामने आई भविष्य की चिंता है। तो इन सब स्थिति से निपटने के लिए जहां आप बोलते हो एक जगह लॉकडाउन है, वहीं आप कहीं बोल देते हो कि कहीं पे होटल की शुरुआत हो रही है, तो दिन ब दिन जो बढ़ोतरी हो रही है, दिन ब दिन जो कायदे कानून बदल रहे हैं, तो इन सब के पीछे जो है आम जनता जो है बड़े असमंजस की स्थिति में बैठी। ये एक मेरा एक आम नागरिक के भावना से, दृष्टिकोण से किया गया मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ इमरान जी। जी हाँ बिल्कुल सही आपने एनालाइज किया सर, कि जिस तरह से अनलॉक प्रक्रिया खुल रही है मगर जो छोटे तबके के जो बिजनेस थे, जो चाय टपरी थी, छोटे छोटे टपरिया थी, वो नहीं खुल पा रही है। उसके वजह से जो मध्यम से भी जो जो एक वर्ग आता है वो कहीं ना कहीं उन पर भुखमरी की नौबत आ पड़ी है। बड़े बड़े व्यवसाय भले ही छोटे छोटे पैमाने पर खुल रहे है ना, अब लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन होने के बाद 2-3 महीने कई लोग पर बेरोजगारी का आलम छा गया, 13 करोड़ नौकरियां पूरे भारत देश में चली गई है, कहीं ना कहीं शायद उससे भी ज्यादा, शायद आंकड़ा उससे भी ज्यादा हो सकता है, 13 करोड़ प्लस बोलूंगा मैं इसको। जी 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 इसके बाद जी, और ऊपर कोरोना की मार हो रही है और कोरोना की वजह से डर तो लोगों में है ही, उसके बाद भी पूरी तरह से अवेयरनेस किसी के पास नहीं है। लोग तो मास्क पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहन पाते। कुछ अगर आप शॉप खुली है तो किस शॉप में जाके देखिए, थोड़े एक लिमिटेशन रहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह छज्जियां उड़ते नजर आती है। सही बात है, और कोरोना के पार्श्व में आप देखिए कि जहां पर कुछ असामाजिक तत्व भी बड़े सक्रिय हो चुके हैं, कोई कारण नहीं था, कोई ऐसी औचित्य नहीं था, और दादर की मैं बात कर रहा हूं, और जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का निवास था उस जगह पर अज्ञात 2 हमलावरों ने आज वहां पर तोड़फोड़ की। ये असामाजिक तत्व पहले ही पूरा जो है मुश्किल से गुजर रहा है। हालांकि मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन की और समाज के प्रतिनिधियों की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस घटना को के लिए पुलिस प्रशासन की भी तारीफ की कि उन्होंने अपने जो सुरक्षा प्रणाली थी और उसको तुरंत काम पे लगाया और सभी ने आह्वान किया लोगों को शांत रहने का, नहीं तो ये स्थिति भी काफी बिगड़ने की नौबत आ सकती थी। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से घटना जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और पुलिस प्रशासन को तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, उसके बाद विपक्ष ने भी ये मामले में घेरा, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों को की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस तरह से पुलिस भी काम कर रही है। ये घटना इस स्थिति में, जिस स्थिति में कोरोना काल में पूरा देश जी जिस एंगल से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसी घटना होना बहुत ही निंदनीय है। एक अच्छी घोषणा भी आज ठाकरे सरकार ने की है, हम दर्शकों को जरूर बताना चाहें, जहां पुलिस प्रशासन की बात करें कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में भी जो एक कर्मचारी वर्ग का जो एक दबाव है, उस दबाव को निपटाने के लिए ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है कि कांस्टेबल पद की 10,000 भर्तियां जो है करने का फैसला जो है ठाकरे सरकार ने लिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक देश जो महाराष्ट्र के जो युवा वर्ग है जो पुलिस दल में भर्ती होने की इच्छुक है उनके लिए कई संभावनाएं खुल गई है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोजगार, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने किया है, एक अच्छा जो डिसीजन है लिया गया है। तो इस तरह की जो है दिन भर की ये जो घटनाएं हैं जो महाराष्ट्र में घटी है, देश में घटी है, हमने कोशिश की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम दर्शकों से इस वक्त तो ये अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि ये बढ़ते हुए आंकड़े काफी चिंताजनक है। हम लॉकडाउन में हैं, हम अनलॉक में भी हैं। कुछ सुविधाएं सरकार ने शुरू जरूर की है, वो इसलिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था, हमारे परिवार की आर्थिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें, हम अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना स्प्रेड को रोकने के लिए हम कहीं ना कहीं तो अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। खुद के बारे में सोचे, खुद के परिवार के बारे में अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं स्प्रेड को रोकना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम जनता को अनुरोध करते हैं कि इस कोरोना स्प्रेड को रोकने के लिए, एक नई शुरुआत लाने के लिए जरूर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हमें जरूर करना पड़ेगा। ऐसी और चर्चाओं के साथ में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इस वक्त आपको अनुरोध है कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें NBC News। नमस्कार, थैंक यू इमरान। थैंक यू।